अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज हम बना रहे हैं ईद का ब्लॉग। वैसे तो ईद ख़त्म हो गई है, पर अभी लास्ट में क्योंकि घर में सब इतने मेहमान आ गए थे कि टाइम ही नहीं मिल पाया था। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक गाइज सबको। तो हम लोग जाने वाले हैं, तो मेरी बहन लोग सब गई है दादी के घर पे, अभी आ रही है एक एक करके। आ जा, ये देखिए, ये मेरी बहन, ये लोग सब गए थे दादी के घर पे, अभी दादी से मिलके यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए, सब ईद मिल रहे हैं। ये मेरी बहन की बेटी है, इससे आप एक वीडियो में मिल चुके हो। ये मेरी मम्मी की सबसे प्यारी नवासी है, ये मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मम्मी भी इससे बहुत प्यार करती है। और ये है इसका छोटा वाला बेटा, और कैसे है, अच्छी घर पे सब कैसे? सब अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। और अम्मी तुम कैसे हो? अच्छी हूँ। बैठो, वैसे तो घर बहुत मैस हो रखा है, फिर भी बैठने जैसी जगह तो मैंने बना ही दी है। इतना ज़्यादा खरीदी, इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई कि बस पूछो ही मत। बैठो, अम्मी शीरखुरमा गरम करो ना। हाँ, अम्मी शीरखुरमा गरम कर रही है। वो लोग किधर है? रेशमा और रेहाना किधर है? आ रहे हैं। चप्पल साइड कर दे सोएबा, ये वाली भी चप्पल एक साइड करो। इतना लेट क्यों है? तुम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे आज? घूमने को बड़ा मजा आता है। दादी के पास, नानी के पास, इससे उससे मिलने को, पर मेरे पास जल्दी नहीं आएगी। ससुराल गए, नाना लोग से मिले, सबसे मिले, इसलिए लेट हो गया आने में। बहुत लेट आए तुम लोग। हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं कि तुम लोग आएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे, पर तुम लोग आ ही नहीं रहे थे। नहीं, बहुत लेट हो गया, अभी मालूम नहीं पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। रिक्शा भी नहीं मिलते, मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत है, और ईद का टाइम है तो और ट्रैफिक रहता है। और बेटा किधर है? मेरा बेटा उधर सोया है, एक मिनट रुक। देख, इसने अपनी वो भरा दिया था, चड्डी भिगा दिया था। ये देखो, इसके कपड़े चेंज करा दे, देखो उधर निकाल के रखी, वो पहना दे उसको। चलो, जब तक ये कपड़े चेंज करा रही है तब तक हम लोग देखते हैं कि ये लोग है किधर, नीचे से कहाँ गायब हो गए। अम्मी क्या कर रहे हैं? बस अभी उसे गरम को रखी, बिरयानी गरम को रखी, बिरयानी की बाहर से मंगाई के पकाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये लोग दोपहर में आने वाले थे और आते आते ये लोग ने, इन्हीं लोगों के चक्कर में हम लोग ने हमारे खाना ठंडा हो गया, सब कुछ में ठंडा हो गया। अभी मेरी बाकी की बहन लोग भी आ रहे हैं। देखो, ये लोग चढ़ रहे सीढ़ी। इतना टाइम लगाता है कोई? अभी क्या कर रहे हैं? ये लोग भी सब दादी के घर से आ रहे। एक ये मेरी बहन है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो उतार दे, इतनी हील पहन, इतनी ज्यादा हील ली है इसने, पर ड्रेस पे बहुत अच्छी लग रही है तेरी चप्पल, बहुत मस्त लग रही है। मैं भी निकाल दूँ क्या? हाँ निकाल दे, मस्त लग रहा है तेरा ड्रेस भी, मस्त लग रहा है रे, और तेरा भी। इतना घूमते हैं ना ये दोनों का, घूमने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो भी घूमने को तो किसने मना किया? मेरे को इतना पसंद नहीं है घूमना, आई डोंट लाइक घूमना। इधर भी ईद मिली जा रही है। तू का भाई? मैं अभी
अरे यार तो हार नहीं कर ले, तेरी आदत नहीं सुधरने वाली। हाँ नहीं सुधरने वाली, खा ले यार। और बेटा तुम लोग भी, तुम ही लोगों का घर है, मैं तुम लोग के घर में आई हूँ। बैठ जाओ, ये घर में आके मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, इसलिए तो आती हूँ। शीर कुरमा बनाए कि नहीं बनाए? बनाए, ये लोग घर में रहते हैं पर ये लोग घर में नहीं रहते, मतलब के तैयार होके अपना घूमने के लिए निकल गए सुबह से। अब आ रहे सबसे ईद मिल के। ये देखो, ये मेरा छोटा सा गोलू मोलू, इसको मैं बुलाती हूँ प्यार से डोलू। ये मेरा समीर है, समीर अभी सो के उठा है ना। मम्मी मेरा समीर है, अभी सो के उठा है, ये जाने वाला अभी छोड़ के मैं, ये आता ही जाने के लिए है ना। मेरा समीर है, ये समीर है। वो देखिए ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुसुर खुसुर पानी पी रहे हैं लगता। आ पानी मांग रहे हैं, उसको भी पानी दे दो, ये बोतल मत दो, गिलास दो। ये मेरी बहन की छोटी लड़की है, ये इतना घूम घूम के थक गई कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सो गई बेचारी। ये मेरी बहन है, जा रही है क्योंकि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो चल ठीक है, आराम से लाइट बहुत ज्यादा रही। चलो बच्ची को उठा लो, चलो अभी ये जा रही है गाइस। इसको बहुत ज्यादा लेट हो गया है क्योंकि टाइम बज हो रहे हैं, कितना बज गया है अम्मी? हेलो 10:30 हो गए हैं। देखिए ये अभी बोल रही है अपने हस्बैंड को कि मैं आ रही हूँ, लेट हो गया। फरीन नहीं है, फरीन रुकी, अभी अभी आ रहा है ना। मैं भी साथ में जाने वाली थी पर मेरे हस्बैंड बोले कि मैं आ रहा हूँ, अम्मी अब्बा से ईद मिले बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए वो आ रहे हैं। हर साल मेरे हस्बैंड सबसे ईद मिलने आते हैं, तो इस साल काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, तो उनको बुरा लग रहा था, तो वो बोले कि नहीं अब मैं आ रहा हूँ, मिल के फिर तब हम लोग निकलेंगे। नहीं मैं जाऊँगी, मैं जाने वाली हूँ, जाने वाली हूँ। सोनू आ रहे, ये देखिए दोनों भाई बहन। चल बाय। रात के बज गए हैं करीब 12, हम सब बैठे हैं, मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, तो वो अभी आ रहे हैं नीचे है, देखते हैं उनकी एंट्री। आइए देखते कहाँ रह गए। आ गए आ गए, ये सुबह से आ नहीं पाए थे तो अब आ रहे हैं सबसे ईद मिलने के लिए। ये देखिए ये अम्मी के बहुत ही फेवरेट दामाद है, इसीलिए ये रात के 12 बजे ईद मिलने आ रहे हैं। ये अम्मी के फ्रेंड है एक तरीके से, अम्मी इनको बहुत वो करती है, मानती है। अभी बैठे हैं सब बातचीत करेंगे। अम्मी शीर खुरमा पिलाओ, खाना खिलाओ अपने दामाद को। तैयार है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कुछ भी। तो गाइस तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स में, अभी सब घर में बहुत बिजी हो गए हैं
अब किसी के पास टाइम नहीं है मेरे वीडियो में देखने के लिए, मुझे कम से कम बाय तो बोल दो। बाय गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ईद का दिन आज खत्म होता है। ईद का दिन आज खत्म होता है, तो हम मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।